तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम साइलेंडर क्यूब को कैसे सॉल्व करें। जो साइलेंडर क्यूब बोलें, बैरल क्यूब बोलें, बहुत से लोग बैरल क्यूब बोलते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूँ, आपको 3x3 सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको 3x3 सॉल्व नहीं करना आता तो फिर आप जाएं, पहले 3x3 मैंने डाल दिए सॉल्व करने की ट्रिक, वो देख लें सॉल्व कैसे करें, वो मैंने डाल दिया, आप देख लें। फिर यहाँ पे आएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसकी। और आपको बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना है। और अब हम पहले इसको स्क्रैम्बल, नहीं पहले मैं आपको एक बात आ दूँ, स्क्रैम्बल करने से पहले हम आपको एक बात आते हैं। ये जो साइलेंडर क्यूब है, इसमें ये जो लाइन है, जब तक ये सारी एक जगह पे नहीं होंगी, अगर ऐसी होगी, ये देखें, ये नहीं मुड़ेगा, ये घूमेगा ही नहीं, ये टूट जाएगा अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे। तो पहले हमें सारी लाइनों को जोड़ना है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है उससे, सारी लाइनों को जोड़ना है फिर करना है। और यार पूरी वीडियो देखना यार, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, पूरी वीडियो देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। काफ़ी दिन हो गए बोले हुए ऐसे, काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, वो छोड़ें क्यों आया हूँ, रहन दो उसको, और देख लेना वीडियो पूरी। चले अब हम इसको स्क्रैम्बल करते हैं टाइम लैप्स में। चलें अब हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि इसको हम 3x3 की तरह सॉल्व करेंगे, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। सही है, अब हम इसको पहले इसका हम जैसे 3x3 में क्रॉस बनाते हैं तो वैसे बनाएंगे। पहले हमें येलो पे फ्लावर बनाना है, ये देखें आपका अगर ऐसे स्टक है तो फिर आपको पहले इसको एफ़ करना है, सही है, फिर आपको आर करना है, फिर आपको एफ़ कर देना है। ये तो सबको पता होगा, ये देखें दो आ गए हमारे। और फिर अगर आपका यहाँ पे तो फिर आप ऐसे ऊपर कर सकते हैं, ये देखें एक यहाँ पे वापसी लटका हुआ है। अब ये लेकिन इसमें हमें यू करना है ताकि हमारा ये अलग आए, अब ना हो जाए, यू भी कर दिया हमने, और फिर एफ, हाँ बस हो गया, मैंने ज़्यादा ही कर दिया था। चलें अब हमें इसमें कोई मैच नहीं करना कि इस कलर से मैच करके, इस कलर से मैच करके, ऐसा नहीं करना। इसमें बस तीन कलर होते हैं, नहीं चार होते हैं शायद, हाँ चार पाँच होते हैं, पाँच कलर होते हैं। तो फिर इसमें कोई मैच करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें सारों को नीचे ले जाना है ताकि क्रॉस बन जाए हर तरफ से। दो दफ़ा हम करेंगे एफ और एफ, यानी कि एफ टू करेंगे दो दफ़ा हम, ओ एक दफ़ा फिर हो जाएगा, मतलब दो दफ़ा एफ। और ये देखें मेरा तो एक पीस लगा हुआ भी आ गया। और चलें अब हमें जैसे उसमें करना होता है, मैं इधर लिख दूंगा कैसे करना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। ये देखिए हो गया, मैं थोड़ा सा आगे पीछे बोल देता हूँ, वो आप रहने। और फिर हाँ इसमें एक चीज़ करनी है जो मैंने गलत कर दिया, मैं आपको बताना भूल गया। चलें अब क्या करें, अब हमें पहले पीसेस नहीं लगाने, चलें पहले पीसेस लगा लेते हैं फिर हम करते हैं। वैसे आपको पता है इसलिए मैंने ऐसे लगा दी, ये देखें आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। अब हमें इसमें एक चीज़ करनी होती है जो मैं आपको बताना भूल गया था, ये देखें ये बीच में कोई आपको खड्डा ही दिख रहा है इसके, इसके भी लिए, लेकिन आप ये देखें इसके बीच में हैगा, यहाँ पे गैप है थोड़ा सा, हमें ये गैप ख़त्म करना है इन दोनों के बीच में। नहीं आप ऐसा हाथ लगा के देख सकते हैं, आपको गैप पता लग जाए, इसके भी बीच में गैप है ऐसा, मैं अगर इसको यहाँ पर कर दें तो नहीं होगा। अब गैप ख़त्म करने के लिए हम पहले इसको ऐसे लेके जाएंगे, फिर इसको ऊपर करेंगे दो दफ़ा, फिर ऐसे ले आऊँगा मैं और इसको वापसी, मेरा एक तो ख़राब हो जाएगा, नहीं ऐसे भी नहीं आएगा ये। चले मैं आपको वापसी बता देता हूँ कैसे आएगा, ये देखें पहले हमें इसको एफ़ करना है, सही है, फिर इसको हम ऐसे घुमाएंगे, सही है, नहीं पहले मैं इसको बाहर निकालूंगा फिर इसको घुमाऊंगा, फिर अगर मैं इसको लगाऊंगा ना फिर ये देखें हो जाएगा। मैं आपको एक और करके दिखा दूंगा, आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। ये एक हमारा बाहर आ चुका है, अब हम इसको इसके वाले पोर्शन में लगा देंगे। देखें पहले हमें इसको ऐसा रखना है, सही है, ताकि मिले तो ख़राब ना हो, गैप ना आए बीच में। इसको हम ऐसे दूर लेके जाएंगे, इससे इंसर्ट करने के लिए ऐसे करेंगे, चेक पहले ही कर सकते हो आप, ये गलत है। तो मैं एक दफ़ा इसको घुमा दूँगा ब्लू वाले को, फिर ये देखिए ये सही आ गया। मैं आपको इजी बता रहा हूँ, हो सकता है अगर आपको ना समझ में आए तो बता देना भाई, एक और दफ़ा वीडियो बना दूँगा आप लोगों के लिए। फिर हमें वैसे ही आर यू आर प्राइम यू प्राइम करके, जो मैंने गलती से पहले बता दिया था, अब उसको करके हमें करना है, मैं भूल गया था पहले। और हो सकता है पहली बारी में आपका ना आए ये पीस,
आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम। ओ नो, नहीं नहीं मेरे को लगा मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी है, अभी भी है गड़बड़। सारे सही से लगे हैं लेकिन हमारा एक पीस ख़राब लगा हुआ है। अब हम इसको भी सही करते हैं वैसे ही। पहले देखो मैं इसको दूर नहीं लेके जा रहा, मैं एफ करूँगा फिर आर करूँगा फिर यू करूँगा फिर से आर प्राइम, फिर मैं इसको दूर लेके जाऊँगा फिर करूँगा नहीं होगा। फिर मैंने आपको बताया अगर ना आ रहा तो आप एक दफ़ा एफ़ कर देना फिर चेक करना, आ गया। अब हमें वापसी से एफ़ करके इसको लाना है और इसको हमारा सही कर देना है। आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। फिर हमें एफ आर यू आर प्राइम आर प्राइम यू प्राइम। अब हमें एक दफ़ा सारे चेक कर लेते हैं सही से लग गए। हाँ सही से लग गए। अब हमें ये सेंटर पीसेस, ये सेंटर नहीं इसको हम सेंटर भी बोल सकते हैं, एजिस एजिस इसको हम एजिस बोलेंगे। थोड़ा सा कैमरे से बाहर जा रहा है, कभी बार माफ़ कर देना भाई। सही है। अब हम इसको कैसे करेंगे, जैसा हम उसमें करते थे वैसा ही है, बिल्कुल सेम ट्रिक है इसकी भी। ये देखें एक और ये दो तो हो गए, इसमें भी हमें वो देखना पड़ता है पहले। हाँ ये देखें ये इससे नहीं मिल रहा, ये इसमें गैप हैगा शायद, इसमें नहीं देखना पड़ेगा हमें। मैं एक बार फिर भी आपको दिखा देता हूँ हमें क्या करना है। पहले जिस जगह पर करना है उससे दूर लेके जाना है, फिर उस जगह को ऊपर करना है सही है, फिर उस वाले जिसको हमें इंसर्ट करना है उसे वापसी लाना है, और फिर आर को नीचे कर देना है, वाली आर को नीचे कर देना है, फिर इसको हमें इससे दूर लेके जाना है और जिस लेयर में जाना है उसको ऊपर कर देना है, और ये इंसर्ट। हाँ देखा इसमें कोई गैप नहीं आएगा, मैं ऐसे ही मेरे को लगातार आ जाएगा क्योंकि यार काफ़ी टाइम हो गया सिलेंडर को मैंने इस्तेमाल नहीं किया। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें एक और ऐसे ही, पहले हम इसको दूर लेके जाएंगे, अगर राइट में हो रहा हो तो राइट करेंगे, लेफ्ट में हो रहा है तो फिर अब लेफ्ट वाला करेंगे, फिर इसको हम इसकी जगह पर वापसी लाएंगे, फिर नीचे करेंगे ये आ गया, फिर हमें इस जगह से दूर लेके जाना है सही है, ये यहाँ पर आ गया। ऐसा नहीं कि आप पीछे ले जाएं, नहीं जोन से ले हमें जाना है उस तरफ घुमाना है हमें, फिर हम जिस लेयर में जाना है उसको ऊपर करेंगे, फिर उस लेयर फिर हम उस लेयर पे लाएंगे इसको, देखिए यू करके यू प्राइम या यू करके कुछ भी करके आ रहा होगा, फिर इस लेयर को वापसी से नीचे कर देंगे। मुबारक हो आपकी दो लेयर सॉल्व हो चुकी है, ये आपको हो सकता है समझ में आ गया हो, मेरे को उम्मीद है। और इसमें एक पैरिटी आएगी मेरे पास, अभी आप देखेंगे, पहले हम इसका क्रॉस बनाएंगे सही है। कभी ऐसा आपको पता है कभी भी इसमें 3x3 में आपको मैंने बताया हुआ है कि कभी भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ दो मिनट। देखें 3x3 में ऐसी पैरिटी आती है या फिर ऐसी पैरिटी आती है या फिर वन डॉट आता है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ वन डॉट भी, वन डॉट कभी भी ऐसा नहीं आता सही है। ये देखें इसमें दो हैं, तीन आते हैं हमेशा। तो फिर अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं एक बार क्रॉस बना लेता हूँ, देखें F मैं इधर लगा दूँगा, R U F प्राइम आओ R प्राइम U R प्राइम, ये देखें ये आ गई पैरिटी हमारे पास। अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है। पहले हमें इस पीस को अपने सामने रखना है, फिर जैसे हम इसको इंसर्ट करते ना सेंटर में वैसे हमें इसको पहले दूर लेके जाना है जिस लेयर में आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, फिर उस लेयर को ऊपर करना है, फिर उसको नीचे ऐसे वापसी से लेयर को नीचे कर देना है, फिर उस लेयर से दूर ले जाके उस लेयर को ऊपर करना है, फिर ऐसे आ जाएगा ये। फिर अब हम अपना जब ये इंसर्ट करेंगे ना ये सही है, तो फिर आप देखेंगे हमारा इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा। ओ सॉरी मैंने गलत कर दिया, मेरे को पहले अब इसको इंसर्ट करना पड़ेगा, इसको पहले मैं इंसर्ट कर देता हूँ। हाँ आप देखें अब हमारा आ जाएगा, देख लेंगे आप, उम्मीद है। हाँ देखें ये लाइन बन गई हमारी, लाइन आ गया। अब हम F R U R प्राइम U प्राइम और फिर हम सीधा कर देंगे F प्राइम से। अब देखें हमारे चारों कॉर्नर, मतलब दो कॉर्नर सही हैं और दो ख़राब है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक आ जाए कॉर्नर एक यूँ या फिर आपका फ्लिप हुआ होगा, हो सकता है आपका क्यूब ख़राब हो। वैसे इसका मेरे ख्याल में खुलता, हाँ खुलता है, देखें आपका हो सकता है ना आपने कभी खोला और आपका हो जाता है, तो फिर आपको उसको सही कर देना है, आपको इसको फ्लिप कर लेना है, फिर दूसरे वाले को भी नट थोड़ा सा ढीला करके आपका हो जाएगा फिर सॉल्व। अब हम इसकी लास्ट लेयर पे हैं जो हमने इनको इंसर्ट करने में लगाया था, इनको मतलब के ये
ये इंसर्ट जिसमें करा था ना वैसे ही होगा ये भी। बस हमें अब इसको येलो को नीचे रखना है, वाइट को टॉप पे रखना है, और फिर आर यू, ये एक मैं ये सामने है तो फिर मेरे ख्याल में इसके ऊपर चार दफ़ा लगे हैं, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। अब हमें दूसरी तरफ जाके नहीं करना, जैसे मैंने 3x3 में बताया था कि हमें दूसरी तरफ जाके नहीं करना, वरना आपका क्यूब आपसे ख़राब हो जाएगा, फिर आप मेरे को बोलना नहीं कमेंट्स में आके कि हमारा क्यूब ख़राब हो गया। आपको उसी जगह पर रहते हुए उस वाले पीस को लाना है जो हमें सही करना है, जैसे ये आ चुका है, ये देखें ये वाला पीस, और फिर हमें वो करना है, हाँ वापसी अभी साइड में, तो फिर हम दो दफ़ा करेंगे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और ये देखें हमारा हो चुका है, बिल्कुल सही से हो चुका है। अब आप लोग को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, फिर मैं एक और वीडियो बना दूंगा। ये वापसी ब्लर होने लग गया, नहीं ये लाइट पड़ रही थोड़ी सी, हाँ मैं अगली बार से वो लाइट बंद करके कर लूँगा ताकि लाइट ना पड़े। अब आप लोग मेरे को बस लाइक शेयर सब्सक्राइब दें, और फिर आप देखें मैं आपके लिए क्या क्या वीडियोस बनाता हूँ, आप सोचेंगे क्या क्या बना सकता हूँ मैं, और आप मेरे को आइडियाज़ दें यार कमेंट्स में, मेरे को मज़ा आएगा, फिर आपके आइडियाज़ पे हम बनाएंगे, नाम बताएं, अल्फ़ाबेट बताएं, कुछ भी बताएं, मैं लिख दूँगा, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे पास अभी कम क्यूब हैं, तो फिर मैं, हो सकता है अगर छोटा नाम हुआ और मैं लिख पाया तो फिर हम देखेंगे। अच्छा बाय।